स्टार्ट है, स्टार्ट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे इलाके में बहुत सारे मसाइल हैं, उनमें से एक मसाइल हमारी बस्ती का पुल है जो काफ़ी अर्सा दराज से टूटा हुआ है। मैं आपको वो पुल दिखाने जा रहा हूँ और आपको हमारे इलाके के जो लोग हैं उनसे भी मैं आपको मिलाऊंगा और उनकी राय जो है वो भी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। ये हमारे इलाके का पुल है जो काफ़ी अर्सा दराज से टूटा हुआ है। स्टार्ट है। ये हमारे इलाके का पुल है, ये देखिए काफ़ी अर्सा दराज से टूटा हुआ है। कोई हुक्मरान पुल की मरम्मत के लिए नहीं आ रहा। इस पुल पे बहुत सारे हादसा होते हैं, बहुत जाने जाया हुई हैं इस पुल के ऊपर। कम से कम आए हफ्ते हर रोज़ 2 से 5 आदमी इसके अंदर गिर जाते हैं, इस नहर के अंदर। कोई हुक्मरान नहीं आता। हमारे इलाके के लोग आ रहे हैं, अभी मैं इनसे मिलवाता हूँ। भैया ये पुल कब से टूटा हुआ है? कम से कम इसको हो गए हैं 5-6 साल। तो यहाँ पे कितने हादसा होते हैं? बहुत हादसा होते हैं। आप कई आदमी इधर गिरे हैं, मोटरसाइकिल पे आए हैं, कई गिरे हैं, वो ऑटो रिक्शे में फंस गया, वो लोगों ने निकाला, गाँव वालों ने निकाला। तो इस पुल की मरम्मती क्यों नहीं हो रही? क्यों बजट वगैरह नहीं आ रहा है? बजट आया और रोड बनी है सर, पुल की भी बनना था, बजट हुआ हुआ है, रोड का सर्वे हुआ हुआ है, बने का कोई हुक्मरान नहीं आता। नहीं, कोई हुक्मरान नहीं, ना कोई पूछता, इतने आदमी गिरे, इतने उड़े। आप किसके किसको अपील करना चाहते हैं इस पुल के लिए? वज़ीर आला को या वज़ीर आज़म को? वज़ीर आला जो भी है, रोड बनाए, हमें रोड और पुल चाहिए बस। ठीक है, स्टार्ट। और भी एक आ रहे हैं, अभी इनसे भी पूछते हैं कि ये इस पुल के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी भाई जान, ये पुल कब से टूटा हुआ है? यह 10-12 साल हो गए हैं ये पुल टूटा हुआ है। ये इसकी कोई मंजूरी नहीं आई। ये जो जाते हैं उसका नुकसान होता है, बच्चे गिरते हैं, सवारी गिरते हैं। कितने नुकसान हुए हैं यहाँ पे? कितने लोग? बहुत नुकसान हुआ है इसमें, बहुत नुकसान हुआ है। इसकी मंजूरी कोई नहीं ले रहा, सरकारी भी कोई बंदा नहीं इधर, कोई मंजूरी नहीं ली, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। नुकसान हो रहा है कब से। चलें ठीक है, अभी मैं दिखा रहा हूँ कि मेरे इलाके के लोग इस पुल के लिए सरापा एहतजाज हैं कि इस पुल की मंजूरी होनी चाहिए। मेरी वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और MPA, MNA और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये पुल बनना चाहिए। हमारे इलाके के लोग इस पुल के लिए सरापा एहतजाज हैं। मेरी वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, MPA, MNA और डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान से दरख्वास्त है कि इस पुल की मंजूरी मरम्मती की मंजूरी दी जाए और ये पुल बनना चाहिए। ये मेरे इलाके के लोग सरापा एहतजाज हैं। ये देख रहे हैं आप।